승리 변호인 김선기입니다. 대기자 승리 뭐가 아니지? 대기자 승리. देखिए माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है, मेरा आग्रह ये है कि जनता इन सब बातों का निर्णय करती है और जनता ने 2003 से लेकर और बीच का सवा साल छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुना है। तो अगर हम लोग कर रहे होते तो दिग्विजय सिंह को लोग हटाते क्यों? दिग्विजय सिंह जी को हटाया इसलिए था मध्य प्रदेश में जनता ने, लोग बंटाधार कहते थे, मिस्टर बंटाधार, अभी भी लोग उनको बंटाधार के नाम से ही जानते हैं। और कांग्रेस के चुनाव में जो प्रत्याशी होते हैं उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि वो चुनाव प्रचार में हमारे क्षेत्र में ना आए, कि अगर ये हमारे क्षेत्र में आ जाएंगे तो हमारी पराजय निश्चित है। और इसलिए उम्मीदवार इसकी ताकत लगाता है कि कहीं दिग्विजय सिंह जी का कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में ना बन जाए। तो उनकी जिस तरह की छवि मध्य प्रदेश और देश में बनी है, मैं समझता हूँ राजनीति में कभी किसी की ऐसी छवि ना बने जिस तरह की छवि उन्होंने अपनी देश में और प्रदेश में बनाई है। और एक अलग तरह के जो राष्ट्रीय महापुरुष होते हैं उसमें उन्होंने अपनी इमेज बनाई।